हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू साक और आप सभी लोगों का हमारे इस टेक्निकल माइंड चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताने वाला हूं कि आप व्हाट्सएप पे ऑनलाइन होके भी किसी को ऑफलाइन कैसे दिखेंगे, यानी कि दोस्तों जब आप व्हाट्सएप पे ऑनलाइन आएंगे तो किसी को ऑफलाइन कैसे दिखेंगे। दोस्तों आप चाहते हैं कि जब व्हाट्सएप पे आप ऑनलाइन आएँ तो आपका फ्रेंड या कोई भी आपके नंबर को जो है ओपन करता है आपके अकाउंट को, तो वहाँ पर उसे आप ऑफलाइन दिखें, तो दोस्तों ऑनलाइन होके भी आप उसे ऑफलाइन देखें। तो दोस्तों ये किस तरीके से कर सकते हो तो बताएंगे आज इस वीडियो में, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखते रहिए दोस्तों। उससे पहले दोस्तों आपको एक बात बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारी इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ इस तरीके से हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसके बाद दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन आ रहा है उसे भी प्रेस कर दीजिए। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, स्क्रॉल करके नीचे आना है और स्क्रॉल करके नीचे आने के बाद आपको एक कमेंट कर देना है जिस तरीके से आपको वीडियो लग रही है। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तब भी आप हमें कमेंट में कह सकते हैं मुझे यहाँ पर दिक्कत रही है। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम गवाए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में प्ले स्टोर को ओपन कर लेना होगा। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद यहां पे आपको सर्च बार में टाइप करना है डायरेक्ट चैट। यहां पे आपको टाइप करना है डायरेक्ट चैट। ये टाइप करने के बाद आपको सर्च करना है, ये वाली एप्लीकेशन आ रही है तो इसी एप्लीकेशन को आपको अपने फ़ोन में डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना होगा। तो दोस्तों इस एप्लीकेशन की लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से भी जाके आप इस एप्लीकेशन को डायरेक्ट आप अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ। यहाँ पर तो यहाँ पर आपको जो है सेटलमेंट के यहाँ पर करना पड़ेगा, इसकी परमिशन वगैरह वो आपको अलाउ करनी पड़ेगी सारे कुछ, और इस तरीके से ज़्यादा कुछ प्रोसेस नहीं है। इसको मैं पहले से करके रखा है इसलिए अगर आपको कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट में पूछ लीजिए मुझे। तो दोस्तों आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आपको जो है बस परमिशन दे देनी है और एप्लीकेशन काम करना शुरू हो जाएगी। तो अब चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ ये किस तरीके से आपको जो है ये एप्लीकेशन काम करेगी। मैं अपना एक देख सकते हैं, ये जो है मेरे भाई का फ़ोन है। अब मैं इससे मैसेज करता हूँ व्हाट्सअप से और आपको दिखाता हूँ यहाँ पर कि यहाँ पर जो है लास्ट सीन में जो है दिखाता है ऑफलाइन दिखाता है कि नहीं। तो दोस्तों इसी एप्लीकेशन मैंने आपको बताई, इसी एप्लीकेशन से जो आप ऑनलाइन होके भी ऑफलाइन देखोगे। तो दोस्तों यहाँ पे मैं जो है अपना कॉन्टैक्ट खोलता हूँ इस फ़ोन में और मैसेज करता हूँ यहाँ पे। तो ये है जो मेरा कॉन्टैक्ट, मैंने ऐसा ही नाम से सेव कर रखा है, तो मैं यहाँ पे भेजता हूँ हाय। और यहाँ पे देख सकते हैं कोई भी अभी जो है कुछ नहीं आ रहा है यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे ऊपर साइड में जो व्हाट्सएप पे मैसेज आई है तो व्हाट्सएप पे मैसेज आपको नहीं खुलेगा, आपको ये एप्लीकेशन पर डायरेक्ट आ जाएगा सिंबल। तो आप यहाँ से ही रिप्लाई दे सकते हो यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं यहाँ से मैं रिप्लाई देता हूँ हेलो। तो यहाँ पे कोई भी देख सकते हैं, तो यहाँ पे आप इस तरीके से दे सकते हो और यहाँ पे लास्ट सीन जो होगा वो भी आपका दिखाई देगा। जब आपने जो है चलाया होगा तभी आपका दिखाई देगा, नहीं तो दिखाई नहीं देगा आपका लास्ट सीन। और मैंने जो है बंद करके रखा था। और यहाँ पे ऑफलाइन भी आप सेट कर लीजिए, ऑनलाइन होके भी आप ऑफलाइन दिखेंगे सिर्फ इस एप्लीकेशन की मदद से। तो दोस्तों आपको ये ध्यान देना है, आपको एप्लीकेशन से चैट नहीं करनी है, जो व्हाट्सएप की एप्लीकेशन आती है वो उससे चैट नहीं करनी है। तो दोस्तों जब आप कोई मैसेज करेगा आपको जैसे हेलो तो मैं इससे फिर भेजता हूँ, तो आपको एक चैट का ऑप्शन आ जाएगा व्हाट्सएप का, लेकिन उससे नहीं करना। आपको जो है अलग से जो एप्लीकेशन का आइकन आता है इससे ही आपको चैट करनी है, तभी दोस्तों आप जो है ऑनलाइन होके भी ऑफलाइन देखोगे उस बंदे को। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर जो है मैंने मैसेज भी पढ़ लिया यहाँ पर, और देख सकते हैं आप वहाँ पे भी जो है ऑफलाइन ही उसे दिखेगा।